दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। आज पितृ पक्ष का अंतिम दिन है, यानी कि सर्व पितृ अमावस्या आज पितृ पक्ष की है। इस अमावस्या पर हमें किन किन पितरों की पूजा करनी चाहिए और किस विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। हर साल अश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या मनाते हैं। इस दिन उन सभी पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं जिनका निधन अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को हुआ होता है। इसके अलावा उन सभी पितरों को भी श्राद्ध करते हैं जिनके मृत्यु की तिथि हमें पता नहीं होती। इस साल सर्व पितृ अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप अपने नाराज पितरों को खुश करने के लिए उपाय कर सकते हैं। इससे पितृ खुश होकर उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या पर नाराज पितरों को कैसे खुश किया जाए, सर्व पितृ अमावस्या का मुहूर्त क्या है, जिन मुहूर्त पर आप इनकी पूजा कर सकते हैं, तर्पण पिंडदान सभी कर सकते हैं। अब नाराज पितरों को खुश करने के उपाय हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, तर्पण करना, किस प्रकार से तर्पण करना है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। यदि आपके पितर नाराज हैं तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, सफ़ेद फूल, काले तिल से कुशा का उपयोग कर उसके पोरों से तर्पण कर दें और कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कुशा से तर्पण नहीं करते हैं तो वह पितरों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में आपके पितर अतृप्त रहते हैं और नाराज होते हैं। इसके बारे में आप अपने जो ज्योतिष आचार्य हैं, अपने पंडित हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। पंचबलि कर्म, सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए पंचबलि कर्म जरूर करें। इसमें आपको भोजन बनाकर उसका कुछ अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि को खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को भोजन का अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि के माध्यम से उन तक पहुंचता है। उसे पाकर वे तृप्त होते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसके बारे में भी आप जिन ज्योतिष आचार्यों को, पंडितों को अपने पास रखेंगे भोजन के लिए, उनको उनसे और जानकारी ले सकते हैं। पितृदेव अर्यमा की पूजा और पितृ सूक्त पाठ, नाराज पितरों को खुश करने के लिए आपको पितरों के देव अर्यमा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पितृ सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और अपनी संतान को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद करें अन्नदान की, जो कि सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। पितृ ऋण या पितृ दोष से मुक्ति के लिए आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और खुश होकर आपकी उन्नति का आशीर्वाद भी देते हैं। अब गाय का दान की बात करें, जो कि गाय को दान करना बहुत जरूरी होता है। रोटी और खाने के लिए अन्न का दान करना बहुत जरूरी होता है। गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप उनके नाम से गाय का दान कर सकते हैं। गाय दान करने से पितृ वेतरणी नदी पार करने में सफल होते हैं और वे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि आप गाय का भी दान इस दौरान कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके बारे में और जानकारी अपने पंडितों से भी ले सकते हैं, क्योंकि लोक मान्यताओं के अनुसार जो जानकारियां दी जाती हैं वे ये सभी हैं और उन्हीं के अनुसार आजकल जो सभी पितृदान कर रहे हैं और पितृपक्ष के दौरान जो तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, इन्हीं के अनुसार करते हैं। आप इस प्रकार से अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।